टोक्यो में ओलंपिक हो रहा था जिसमें हमारे भारत के युवा खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भारत को भाला फेंकने में गोल्ड मेडल प्राप्त कराया है। जिनका मेहनत का खुशी पूरे भारत में दिख रहा है। उन्होंने बहुत बड़ा इतिहास रचा है, बहुत सालों बाद इन्होंने ऐसा कर दिया है। तो क्या मानते हैं आप इसको? मानते हैं इनका सब इनकी मेहनत का रंग था, पूरा भारत को सपोर्ट, पूरा भारत का सपोर्ट था। बहुत सालों बाद भारत में खुशी देखने को मिला है। आज भी हमारे भारत में वीर पुरुष हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अंकित कुशवाहा हुआ, मैं भैरवगंज से हूँ। टोक्यो ओलंपिक में हमारे देश की युवा खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक कर हमारे देश को गोल्ड मेडल जिताया है और हम सरकार से यह निवेदन करेंगे इस पर भी ध्यान दे। और 87.58 मीटर भाला फेंक कर सोना जीता, 86.65 मीटर भाला फेंक कर फाइनल में पहुंचे, 88.07 मीटर है नीरज का नेशनल रिकॉर्ड। क्या नाम हुआ? आदर्श कुशवाहा। आज हमारे भारत देश के नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर भारत के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसमें उन्होंने 86.65 मीटर भाला फेंक कर फाइनल में जगह बनाई। उसके बाद 87.58 मीटर भाला फेंक कर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, जिस जो कि भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और बहुत ही बड़ा अच्छा लग रहा है चीज सुन के और जान के। ये चीज़ में क्या होता है और ये चीज़ इंडिया के लिए मतलब बहुत 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 बड़ी सम्मान की बात है आज के लिए, हमारे दिन के लिए, आज के लिए। टोक्यो ओलंपिक में हमारे भारत के नवयुवा खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने एक इतिहास रच दिया। पहली बार भारत में गोल्ड मेडल लाया है, जिन्होंने फर्स्ट बार जेवलिन थ्रो में यानी कि भाला फेंकने में पहली बार उन्होंने 86.65 मीटर का भाला फेंका, यानी कि फर्स्ट रैंक किया और भारत को गोल्ड मेडल दिया। इससे हमको जान के बहुत खुशी मिला है कि ऐसे ही भारत में स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया जाए और स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाया जाए। गार्जियन से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को केवल पढ़ाई पे ही नहीं फोकस करें, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दें और इंडोर गेम्स के अलावा आउटडोर गेम पे भी ज्यादा फोकस करें। और थैंक यू।